अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। टीपू सुल्तान रोड की तामीर जल्द से जल्द की जाए। बीआरएस के लीडर शेख मोइन तमन्ना वालों ने एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम से किया मुतालबा। नांदेड़ में बीआरएस अवामी मसाइल में न सिर्फ दिलचस्पी ले रही है, बल्कि अवामी बुनियादी मसाइल को हल कराने के लिए हर तरह की मुमकिनाना कोशिशों रूप अमल में ला रही है। इसी तरह के मसाइल को हल कराने के लिए अब नांदेड़ बीआरएस के लीडर शेख मोइन तमन्ना वाले और इनकी टीम ने कमर कस ली है। बीआरएस के लीडर शेख मोइन को चंद दिनों कबल ही बरकत कॉम्प्लेक्स टीपू सुल्तान रोड इलाके के अफराद ने मुलाकात करते हुए बरकत कॉम्प्लेक्स टीपू सुल्तान रोड तानूरी चौक इलाके की खस्ता हाली सड़क के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं शेख मोइन, बीआरएस पार्टी का जिम्मेदार। मैं अभी कमिश्नर साहब को जाके मिला निकलिस रोड के बारे में। यहाँ से बरकत कॉम्प्लेक्स से नूरी चौक तक जल्दी से जल्दी ये खड्डे बुझाओ, ये रोड का काम सीमेंट रोड बनाओ बोल के ये बोला। और सभी मेरे जितने भी साथीदार हैं उन सबको साथ में लेके गया, लेके जाके मेमोरेंडम दिया कमिश्नर साहब को, अच्छे तरीके से बात करे। और जितने भी लोग यहाँ से वहाँ तक 200-300 आदमी की साइन लिए, जिसमें साकिब साहब है, जिसमें फारूक गाजी है, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर है, मॉल वाले हैं, इन सबको मैं सामने रखते हुए मैं उनके लोग की बात सुना। और लोग रोज़ गाड़ी पे से गिर रहे और स्कूल को जाने वाले बच्चे गिर रहे हैं और मार लग रहा बहुत सारे है कि नहीं, हादसे हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। वो सबको है कि नहीं, मैंने बोला कमिश्नर साहब को ये हादसे को रोको और इंशाल्लाह ये रोड जल्दी जल्दी बनाओ, ये हमारे बीआरएस पार्टी के तरफ से मेमोरेंडम दिया गया। बीआरएस के लीडर शेख मोइन ने इन मुकामी अफराद व दुकानदारों को यकीन दिलवाया कि वो बीआरएस की तरफ से हर मुमकिन आना कोशिश को रूबे अमल में लाएंगे। आज बीआरएस के लीडर शेख मोइन तमन्ना वाले और बीआरएस के लीडर वेंकट राव घोड़पड़े की क्यादत में नांदेड़ वागला शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम देकर बरकत कॉम्प्लेक्स टीपू सुल्तान रोड तानूरी चौक इलाके की खस्ता हाली सड़क के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम ने बीआरएस के वफद के अफराद को यकीन दिलवाया कि वो इस सड़क के तामीराती कामों को जल्द से जल्द शुरू करेंगे। वादे हो कि बीआरएस के लीडर शेख मोइन तमन्ना वाले और इनकी टीम के सबब ही कयूम पलाट ता चांद मस्जिद की रोड का तामीराती काम जल्द से जल्द मुकम्मल हुआ था। अब बीआरएस की टीम ने बरकत कॉम्प्लेक्स टीपू सुल्तान रोड तानूरी चौक इलाके की खस्ता हाली सड़क के तामीराती काम शुरू करवाने के लिए कमर कस ली है। आज बीआरएस के वफद में शामिल बीआरएस के लीडर शेख मोइन तमन्ना वाले, वेंकट राव घोरपड़े सर, शेख सरफराज अहमद, शेख अहमद शाहपुरकर, अफरोज मौलाना, आफ्ताब इनामदार, मोहम्मद जकी, शेख गौस, अब्दुल गनी व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। हल करेंगे, कमिश्नर साहब अच्छे से सुने अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह कर तो बोले इंशाल्लाह। रोड नहीं बनी तो हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह धरना आंदोलन करेंगे और रोड बना के रहेंगे। अरे क्या है, ये भी रोड पे है कि नहीं, बारीक चूरी नहीं डाले, बारीक मिट्टी नहीं डाले, एक ही लेयर डाल दिए। और ये इनकी मनोपली चरी इनकी, और साईनगर की भी रोड हम मेमोरेंडम दिए तो एक लेयर डाल दिए, इसके ऊपर दूसरा कोट जो है वो नहीं डाले, इंशाल्लाह करेंगे, आश्वासन दिए करेंगे। आज दिनांक 15 रोजी नांदेड़ महापालिकेच्या आयुक्त कदम साहेब यांना मोइनबाईच्या नेतृत्वाखाली सर्व आम्ही कार्यकर्ते शिष्टमंडळ त्यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन दिलं। निवेदनामध्ये जी मागणी आहे ती मागणी तातडीने करण्याची आम्ही त्यांना विनंती केली। जर त्यांनी तातडीने जर काम हाती नाही घेऊन जर रोडचं काम नाही केलं तर सर्व शिष्टमंडळाचा इशारा दिलेला आहे की आंदोलन करण्याची पवित्र आम्ही घेतलेली आहे। आमचं केसीआर साहेबाचं निरोप घेऊन त्यांच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही
नांदेड़ जिल्ह्यातल्या नांदेड़मधल्या शहरातले सर्व कामांसाठी आम्ही शासनाला पाठपुरावा करणार आहोत। कुठं काम अडचणीचं असेल, कुठं भ्रष्टाचार होत असेल, त्याप्रमाणे आम्ही त्याचा उठाव करणार आहोत। धन्यवाद। कत कॉम्प्लेक्स से नूरी चौक जो रोड की खस्ता हालत हो चुकी है और अतराफ के इलाके जैसा गोदावरी कॉलोनी, खादरी कॉलोनी में बेमौसमी बारिश का पानी जमा हो रहा है, नालियों का पानी जमा हो रहा है और आवाम को, यहाँ की आवाम को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये सिर्फ जो माजी में जो कारपोरेटर्स थे इनकी नाहली और काम करने से ये लोग खासी रहे हैं और यहाँ की आवाम को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बीआरएस पार्टी जो सिर्फ अपने काम की वजह से पहचानी जाती है, आज शेख मोइन भाई तमन्ना और घुरपड़े सर की सदारत में हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दिया और ये डिमांड की कि बरकत कॉम्प्लेक्स नूरी चौक रोड की दुरुस्ती की जाए और जो गोदावरी कॉलोनी, खादरी कॉलोनी में पानी जमा हो रहा है उसके लिए नालियों का इंतज़ाम किया जाए और एडिशनल कमिश्नर साहब ने हमें ये यकीन दिलाया कि जिस तरह से बरकत कॉम्प्लेक्स से चांद मस्जिद का काम मोइन भाई की जद्दोजहद की वजह से हुआ है, उसी तरीके से ये बहुत जल्द अज जल्द किया जाएगा, इस तरह की हम लोगों ने उनसे डिमांड की। हमला खवातीन और औरतों के दिगर इमराज नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बाजपान, बच्चा दाने की गांठों और अपेंडिक्स आनिया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर चावल वाला कॉम्प्लेक्स SBI बैंक के ऊपर देगलू नाका नांदेड़। नांदेड़ शहर में पहली बार अब बिरयानी मिलेंगी किलो के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट में। लजीज बिरयानी के साथ साथ चिकन बोनलेस, चिकन तंगड़ी, चिकन 65 के अलावा चिकन की मुख्तलिफ डिशेज भी किलो के हिसाब से दस्तियाब है। सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मखदूम नगर, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोपराइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।